और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब के दौरान एक बार फिर भविष्यवाणी कर दी है। पीएम की ओर से जोर देकर कहा गया कि ये विपक्ष एक बार फिर अविश्वास लेकर आने वाला है। पीएम ने कहा कि साल 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो मेहनत करके आए, मुद्दे खोज कर लाए, जनता को विपक्षी होने का भरोसा दिलाए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान सामने आया है, जो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि एक बार फिर से 2028 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्रीय। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं एक बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मिलते ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो, और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी। Z News.